बिहार में जल्द हो सकता है बड़ा सियासी उलटफेर। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की छोड़ बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं। पटना में बीजेपी ने पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक बुलाई। शाम 4 बजे बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े की मौजूदगी में बैठक होगी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच डील फाइनल है। सूत्रों के हवाले से खबर, 2 डिप्टी सीएम होंगे, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। बिहार में बढ़ती सियासी उठापटक के बीच बैठकों का दौर जारी। मौजूदा हालात पर दोपहर 1 बजे राबड़ी देवी के घर आरजेडी विधायकों की बैठक होगी। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। मौजूदा सियासी हलचल पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा खत्म होनी चाहिए असमंजस की स्थिति, पार्टी हर स्थिति के लिए तैयार। बिहार में जल्दी ही बन सकती है एनडीए की सरकार। नीतीश ने कल बुलाई जेडीयू विधायक दल की बैठक, एनडीए के साथ जाने पर फैसला संभव। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर कांग्रेस ने विधायक दल की आज बैठक बुलाई है। दोपहर 1:30 बजे पूर्णिया में होगी कांग्रेस नेताओं की बैठक। बिहार में सत्ता का समीकरण बदलने की आशंकाओं के बीच जीतन राम मांझी का बड़ा दावा। सूत्रों के हवाले से खबर, जीतन राम मांझी को आरजेडी से मिला सीएम बनने का ऑफर, मांझी ने ठुकराया आरजेडी का ऑफर। मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए जोड़ तोड़ में जुटा आरजेडी। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के 7 विधायक आरजेडी के संपर्क में, अगर एनडीए में शामिल होंगे नीतीश कुमार तो 7 विधायक आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर, जेडीयू के मंत्री के संपर्क में कांग्रेस के 12 विधायक, अगर एनडीए में शामिल होती है जेडीयू तो 12 कांग्रेस विधायकों का साथ मिल सकता है। बैठकों के साथ साथ मुलाकात का दौर भी जारी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की, कहा बिहार के राजनीतिक माहौल पर चर्चा हुई। नीतीश के लिए सभी दरवाजे बंद होने के बयान पर बीजेपी की सफाई, सांसद सुशील मोदी ने कहा राजनीति में कोई दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं होता है। आरजेडी के नेता शिवानंद तिवारी का नीतीश पर तंज, कहा नीतीश एनडीए का हिस्सा बनेंगे इसकी कल्पना करना मुश्किल है। आरजेडी नेता मनोज झा का बिहार के राजनीतिक हालात पर बयान, कहा मेरा सीएम नीतीश से आग्रह है एनडीए में जाने की सभी खबरों का खंडन करें, इंडिया गठबंधन के मुखिया हैं नीतीश। बिहार के मौजूदा हालात पर कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का बयान, कहा कांग्रेस की पूरे हालात पर नजर है, बीजेपी जो चाहेगी वैसा नहीं होगा, फिलहाल कांग्रेस राहुल की यात्रा पर फोकस कर रही है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच पटना डीएम का ट्रांसफर, चंद्रशेखर सिंह की जगह शीर्षित कपिल अशोक नए डीएम। बिहार में 5 जिलों के डीएम बदल दिए गए। जमीन के बदले नौकरी मामले में मुश्किलों में घिरा लालू परिवार, दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में फैसला आ सकता है आज। ईडी ने राबड़ी देवी, मीसा भारती समेत 7 को बनाया है आरोपी। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, आतिशी ने कहा केजरीवाल को गिरफ्तार कर सरकार गिराने की बीजेपी कोशिश कर रही है। 7 विधायकों को बीजेपी ने दिया है 25-25 करोड़ का ऑफर। कल जींद में आम आदमी पार्टी करने जा रही है बड़ी रैली। हरियाणा में आम आदमी पार्टी चुनाव के लिए करने वाली है तैयारी। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बात बन गई है। मुख्यमंत्री शिंदे ने जूस पिलाकर मनोज जरांगे पाटिल का अनशन खत्म करवाया, 6 मांगों पर बनी सहमति। मराठा आरक्षण पर सहमति बनने के बाद महाराष्ट्र के बीड में जश्न है, लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, पटाखे भी चलाए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की, कहा सादगी से साधु लगते हैं धामी। प्रधानमंत्री मोदी आज दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी की जो रैली है उसको संबोधित करेंगे पीएम। 2,200 से अधिक एनसीसी कैडेट्स और 24 देशों के युवा कैडेट इस रैली में शामिल होंगे। हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन, कल रात महिला छात्रावास में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला।
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और पार्टी महासचिव जयराम रमेश आज पार्टी के नए अभियान को करेंगे लॉन्च। दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में होगा पार्टी के नए अभियान का आगाज। टीएमसी महासचिव कुणाल घोष ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोला, कहा सीपीएम के साथ मिलकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं अधीर रंजन। ओडिशा के भुवनेश्वर में समलेश्वरी मंदिर के उद्घाटन के लिए छुट्टी की घोषणा की गई, स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे, समारोह को देखने वाले भक्तों की सुविधा के लिए सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। समलई परियोजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक करेंगे, समलेश्वरी मंदिर और उसके आसपास की 40 एकड़ भूमि को विकसित करने की परियोजना पर 200 करोड़ रुपए किए गए हैं खर्च। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, सीएम शिंदे सहित महाराष्ट्र विधानसभा के दिग्गज शामिल होंगे। दिल्ली में संसद भवन परिसर में सदन की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा में सेंध लगाने वाले 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत खत्म, पटियाला हाउस कोर्ट में आज फिर होगी पेशी।